आसपास के वातावरण को महकाने के लिए सदियों से परफ्यूम या कहीं इत्र का उपयोग हो रहा है। परफ्यूम एक फ्रेंच शब्द है, जबकि इत्र फारसी शब्द अत्र से बना है। इसका मतलब होता है पेड़ पौधों फूल पत्तियों से बना प्राकृतिक खुशबूदार तेल। अब सवाल उठता है कि आखिर परफ्यूम की शुरुआत कहां से हुई थी। इसका जवाब तलाशने के लिए हमें भारत से कोसों दूर इतिहास में हजारों साल पीछे मिस्र जाना होगा। माना जाता है कि लगभग 4000 साल पहले मिस्र सभ्यता में उच्च वर्ग के लोग अपना जीवन स्तर दर्शाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे। ये अफ्रीकी जंगलों से बड़ी मात्रा में इत्र तैयार करने के लिए सुगंधित सामान मंगाते थे। मिस्र की किंग्स घाटी में शाही मकबरों की दीवार पर बने चित्र परफ्यूम की कहानी को बयान करते हैं। इनसे पता चलता है कि मिस्र के लोग धार्मिक अनुष्ठान से लेकर अपने रोजमर्रा के जीवन में और यहाँ तक कि किसी मृतक व्यक्ति के क्रियाक्रम में भी परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये तय नहीं है कि परफ्यूम बनाने की शुरुआत वास्तव में मिस्र से हुई थी। वैसे इसका इतिहास मेसोपोटामियन पारस और मिस्र की सभ्यता से ही जुड़ा माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि मेसोपोटामिया में तापुत्ती नामक एक महिला ने सुगंध तेल और फूल को मिलाकर पहला परफ्यूम बनाया था। 2007 में पुरातत्वविदों को भूमध्य सागर से घिरे साइप्रस में 2000 ईसा पूर्व के एक इत्र बनाने वाले कारखाने का पता लगा। संभव है कि साइप्रस को मेसोपोटामिया से परफ्यूम बनाने की तकनीक मिली हो, और ये भी संभव है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता से साइप्रस को ये ज्ञान मिला हो। बहरहाल माना जाता है कि इसके बाद परफ्यूम बनाने की तकनीक फारसियों के हाथ लगी। फारस की इस्लामी संस्कृतियों ने परफ्यूम के विकास में काफी योगदान दिया। माना जाता है कि फारसियों ने आसमन प्रक्रिया का आविष्कार किया था, जिससे अल्कोहल की खोज संभव हुई। फारसियों का सैकड़ों सालों तक इत्र के व्यापार पर एकाधिकार रहा। इसके बाद जब फारस के शासकों ने दुनिया भर में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब शायद परफ्यूम की कला ग्रीक और रोमन साम्राज्य तक पहुंची और उन्होंने परफ्यूम का उपयोग करना शुरू किया। प्राचीन ग्रीक और रोमन के लोगों ने इत्र बनाने की प्रक्रिया को दस्तावेज में सावधानी पूर्वक लिखा है। यहाँ तक कि पोम्बे में एक चित्र निर्माता के घर में बने भित्ति चित्र ग्रीक और रोमन के परफ्यूम बनाने की प्रक्रिया को बताते हैं। भारत में 7वीं सदी के प्रारंभ में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठे राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज इत्र के लिए विश्वविख्यात है। माना जाता है कन्नौज में इत्र बनाने का तरीका पारस यानी ईरान से ही आया है। यहाँ बनने वाला इत्र यूरोप सहित दुनिया भर के तमाम देशों में भेजा जाता है। वहीं 1190 से पेरिस में वाणिज्यिक रूप से इत्र का उत्पादन शुरू कर दिया गया। यहीं से आधुनिक परफ्यूम की शुरुआत भी मानी जाती है।